कितना प्यारा है श्रृंगार की तेरी लेओ नजर उतार कितना प्यारा है ओहो कितना। तो मैं आपके घर आ रहा मेरा स्वागत नहीं करोगे राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड फिर से एक बार स्वागत है आपका मेरी चैनल लाइव विद कृष में। और ये है कृष्णा मेरा बेबी जिसका आपने वीडियो जो कृष्णा वाला मैंने दिखाया था आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था उसके लिए थैंक यू सो मच। तो आज है जन्माष्टमी, आज है 24th, बहुत लोगों ने 23 तारीख को मनाई लेकिन हम लोग जो है वो 24th ज़्यादातर लोग आज मना रहे हैं, मतलब 24 तारीख को, लेकिन कुछ लोगों ने 23 को भी मनाई थी। तो सभी को मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपको और आपके परिवार को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज का ब्लॉग जो है वो मैंने आफ्टरनून से शुरू किया है, हमारा लंच भी हो गया है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है और वो सब कुछ मैंने इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि इस साइड हमारा ब्लॉग जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो आज इस ब्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि हम लोग अपनी जन्माष्टमी कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आज आप लोगों के साथ मिलके करूँगी अपनी जन्माष्टमी को सेलिब्रेट। और आप लोग सोच रहे हो कि लाइटिंग किस चीज़ की आ रही है, तो मैंने लंच करने के बाद अभी 3 बज रहा है 3:30, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मंदिर को भी डेकोरेट कर लेती हूँ। तो मैं लग गई थी मंदिर डेकोरेट करने में, किस तरीके से मैं अपने कृष्णा जी का श्रृंगार देखना चाहती हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरे लड्डू गोपाल जी का श्रृंगार तो मुझे ज़रूर बताया, तो मैं आपके लिए उसके लिए उसकी ज़रूर वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरीके से अपने कृष्णा जी का जो मंदिर है वो किस तरीके से सजाया है और उसके बाद मैं उनके लिए बनाऊंगी कुछ मीठा, जो कि मेवा वगैरह पाकते हैं, हमारे यहाँ मेवा पाकते हैं तो मुझे पहले टाइम नहीं मिला, तो जस्ट सेम डे में जिस दिन है उस दिन थोड़ा सा टाइम लगेगा और मैं फटाफट से बना लूँगी कुछ मीठा। तो चलिए आज के ब्लॉग में आपके साथ, और आप लोग क्या क्या करते हैं जन्माष्टमी में मुझे ज़रूर बताना, और आप लोगों ने जन्माष्टमी में क्या क्या मस्ती करी वो भी जरूर बताना, क्योंकि आप लोग मुझे तो देख लेते हैं मगर मैं आप लोगों को नहीं देख पाती हूँ। तो आपके कमेंट के थ्रू या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियोस वगैरह फोटोज़ वगैरह आप लोगों की मैं देख लेती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि हाँ मेरे फ्रेंड जो है वो कुछ दिखने में ऐसे हैं या उनकी वीडियोज़ वगैरह, कुछ फ्रेंड हैं जो अपनी फ़ोटोज़ मुझे सेंड करते हैं, कुछ है जो वीडियोस भी मुझे सेंड करते हैं, तो पता चल जाता है कि वो मेरे फ्रेंड कैसे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो करना स्टार्ट नहीं किया है तो जल्दी से फॉलो कर ले। तो एक बार फिर से हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए दिखाती हूँ मैं आपको मैंने कृष्णा जी को कैसे रेडी किया। और ये है हमारे कौन से वाले कृष्णा जी, ये हमारे बड़े कृष्णा जी हैं, वो हमारे छोटू कृष्णा जी, क्या क्या बोलना चाहिए। और ये है कृष्णा, वो भी लड्डू गोपाल जी। तो चलो दिखाते हैं, दिखाएं। तो ये देखिए मैं बिल्कुल कृष्णा जी के पास में, ये है चौकी, यहाँ पे मैं बैठी हुई हूँ और ये इस तरीके से मैंने पूरा ये फ्लावर वगैरह लगाया हुआ है, पीछे से लाइटिंग वगैरह सारा कुछ मैंने कर दिया है, फ्लावर वगैरह। कृष्णा जी को भी मैंने बहुत अच्छे से सजा दिया है। मैं आपको एक बार बैक कैमरा से दिखाती हूँ, अभी मैंने मोस्टली कृष्णा जी को रेडी करके लाइट वगैरह लगा के चौकी वगैरह सब कुछ कर दिया है। एक बार मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ कि मैंने किस ये है मेरे लड्डू गोपाल जी, छोटे से लड्डू गोपाल जी ये हैं, और कुछ इस तरीके से मैंने इनकी स्थापना की है। ये अभी मैंने फ्लावर वगैरह सारा कुछ डेकोरेट कर दिया है और अभी पूजा का कोई सामान वगैरह नहीं मैंने लगाया है, पूजा का सामान मैं शाम को लगाऊंगी। यहाँ पे ये पूरी चौकी खाली है, तो कुछ इस तरीके से है भगवान जी का मंदिर। तो कैसे लगे मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और जब से मैंने अपने लड्डू गोपाल जी को रेडी किया है, जब से उन्हें तैयार किया है, तब से मैं यहीं पे बैठी रही हूँ, ऐसा लग रहा है इन्हीं को देखती रहूँ, कितनी मासूम सी एकदम से इनका फेस होता है ना, तो जब से मैंने रेडी किया ना तब से मैं यहीं पे बैठी हुई हूँ और इनको देख रही हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है डेकोरेशन वगैरह करना, तैयार करना बहुत अच्छा लगता है। मैंने इन्हें रेडी करने का पूरा एक वीडियो शूट किया है,
अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कैसे लगे मेरे लड्डू गोपाल जी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज के ब्लॉग की शुरुआत हमारी हो चुकी है और थोड़ी देर में मैं जाऊँगी किचन में, थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ, बहुत थक गई हूँ वो लंच वगैरह करके और इन सबको वो करके तैयारी वगैरह। तो चलिए थोड़ी देर में मैं मिलती हूँ आपको किचन में। ओके हाँ जी बोलिए कृष्णा बोल। क्योंकि भगवान जी का बर्थडे है। हाँ जी आज ही कृष्णा जी का हैप्पी बर्थडे, तो से हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू कृष्णा, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, डायरेक्ट किचन में मिलेंगे हम लोग। और आज क्या क्या करेंगे हम लोग जन्माष्टमी में, मस्ती फन लड्डू गोपाल जी का कैसे हम लोग सेलिब्रेशन करते हैं, तो वो सारा कुछ आप लोगों को मिलेगा और देखने को मिलेगा। मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ बोलते बोलते, आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। और कृष्णा कह रहा है कि मम्मा कृष्णा भगवान जी का बर्थडे है तो बैलून और केक भी मंगवाओ, तो पापा के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि आज सैटरडे है तो सैटरडे वीकेंड ऑफ होता है, पापा भी इसके घर पे ही हैं, तो ये जिद कर रहा है कि पापा केक लेके आओ भगवान जी के लिए और बैलून लेके आओ। तो चलो वो शाम को जाएंगे इसके लिए केक वगैरह लेकर, केक कटिंग करेंगे हम लोग, कृष्णा जी का बर्थडे मनाएंगे और बैलून भी लेके आएंगे। बैलून है नहीं, मैं हर बार बैलून भी लगाती हूँ बट इस बार बैलून थे नहीं घर पे और मैं लाना भी भूल गई। तो शाम को जब मैं बैलून वगैरह लगाऊंगी तो आप लोगों को ज़रूर शेयर करूंगी। शाम मोस्टली हो चुकी है, 4 बज गया है। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, डायरेक्ट किचन में मिलूंगी मैं आपको। सो मैं आ चुकी हूँ किचन में स्वीट्स की प्रिपरेशन के लिए। जैसे कि मैंने बताया था मैं एक बनाने जा रही हूँ बर्फी, तो मैंने बताई थी कि मैं मेवा की बर्फी बना रही हूँ बट मैंने प्लान जो है वो चेंज कर दिया है, तो मैं किचन में आ गई हूँ स्वीट की प्रिपरेशन के लिए। तो चलिए बनाना शुरू कर दें क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बर्फी को बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कटोरी बेसन और 1/2 कटोरी सूजी, उसी के साथ साथ इसमें चाहिए चीनी। जितना हमारा बेसन होगा उसकी आधी क्वांटिटी हमें सूजी की चाहिए होगी और हमारी बेसन की जितनी क्वांटिटी होगी उतना ही हमें चीनी चाहिए होगा। उसी के साथ मैंने लिया है 1 कटोरी चीनी के लिए 1 ग्लास पानी जो कि मैंने रख दिया है चाशनी बनने के लिए। उसी के साथ साथ मैंने रख दिया है फ्राई पैन जिसमें मैंने डाल दिया है 1 चम्मच देसी घी। सबसे पहले मैं यहाँ पर अपनी सूजी को अच्छे से रेड कर लूँगी। तो यहाँ पे रेड होने के बाद ये कुछ इस तरीके से आपकी रेड नज़र आएगी, तो यहाँ पे रेड कर ली है। उसी के साथ साथ मेरा चाशनी वाला जो पानी था वो भी अच्छे से खोल गया है, उसमें मैंने डाल दी है चीनी और इसको मैं अच्छे से चला लूँगी और इसको खोलने दूँगी। उसी के साथ मेरी सूजी जो है वो अच्छे से भुन चुकी थी और उसी में मैंने सेम फ्राई पैन में जो है 1 चम्मच घी डाल के और बेसन को भी जो है वो भूनने के लिए छोड़ दिया है। तो कुछ इतना रेड होने तक अपने जो बेसन है उसको हम भूंज लेंगे, बहुत ज़्यादा एकदम से जलाएंगे नहीं, हल्का हल्का लाल करेंगे और इसको बीच बीच में चलाते रहेंगे और ध्यान देंगे कि इसमें बेसन की गांठी ना पड़े। तो यहाँ पे मेरी चाशनी जो है वो खोल चुकी है, अच्छे से बन चुकी है। उसी के साथ साथ मैंने इसमें डाल दिया है इलायची पाउडर और यहाँ पे मेरा बेसन और सूजी दोनों ही भुन चुके हैं, तो इसमें मैं डाल दूंगी सूजी और सूजी के साथ ही साथ मैं उसमें डाल दूंगी देसी घी और मैं इसको कर लूंगी पहले अच्छे से मिक्स और उसी के बाद मैं इसमें डालूंगी देसी घी। इस मिठाई में घी जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा लगता है तो हमें इस तरीके से डालना है और इसका मेल्ट होने तक का वेट करना है। तो इसको ऐसे करके मैं डाल दूंगी क्योंकि मेरा घी जो है वो फ्रिज में रखा हुआ तो ये अच्छे से जमा हुआ है, तो इसमें घी जो है वो थोड़ा ज़्यादा लगता है जैसा कि मैंने बताया, तो मैं इसको मैं अच्छे से चला लूँगी। तो हमारा घी जो है वो अच्छे से मेल्ट हो चुका है और मैं इसमें साथ ही साथ डाल दूँगी जो मैंने चाशनी बनाई थी वो, और इसमें एक हाथ से हमें डालना है और एक हाथ से हमें इसको चलाते रहना है, जल्दी जल्दी इसको चलाना है। अब काम सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारे हाथों का रह गया है,
जितना अच्छे से आप इसे चलाएंगे उतने अच्छे से आपकी मिठाई जो है वो बनके आपको नजर आएगी। तो यहाँ पे इसको बहुत अच्छे से चलाते रहना है और बेसन की ध्यान रहे गाठे ना रहे बिल्कुल भी, तो इसको अच्छे से फेंटते रहें और सारा काम आपके हाथों की मेहनत का रह गया है। इसमें थोड़ी सी हाथों की मेहनत है मगर आपकी मिठाई जो है वो बहुत अच्छी टेस्टी बनेगी। तो इसको बहुत अच्छे से आपको इस तरीके से फेंटते रहना है। जब ये कढ़ाई से ऐसे हटने लगेगी तो इसका मतलब कि आपकी जो मिठाई है वो अच्छे से बन के रेडी हो चुकी है। उसी के साथ साथ यहाँ पे मैंने डाल दिया है गरी का बुरादा। अगर आपके पास घिसी हुई गरी, जिसको कद्दूकस करा हुआ घी गरी बोलते हैं, वो भी आप इसमें डाल दें और इसको मैं अच्छे से फिर से चला लूंगी। तो ये देखिए मेरी कढ़ाई से बिल्कुल अच्छे से जो इसका बैटर है वो अच्छे से छूटने लगा है। उसी के साथ साथ मैंने एक प्लेट में लगा लिया है घी और इसमें जो मैंने अपना ये बैटर बना के बर्फी वाला जो स्टार्ट बनाया था वो मैं इसमें अच्छे से लगा लूंगी अच्छे से। मैं यहाँ पे स्पैचुला की हेल्प से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म है। आप लोग डायरेक्ट हाथों से ना करें, ध्यान दें, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म होती है तो इसका इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान दें। तो यहाँ पे मैंने इसको कुछ इस शेप में बना लिया है। इसको मैं डेकोरेट करने के लिए, इस पे थोड़ा सा मैं करने के लिए डेकोरेट नहीं मतलब खाने के लिए, और इस पे मैं डाल रही हूँ खरबूजे के बीज कुछ इस तरीके से। मैंने खरबूजे के बीज साथ में नहीं डाले थे, मैंने खरबूजे के बीज ऊपर से डाले हैं और उसके बाद में हल्का सा नॉर्मल जब हो जाती है, एकदम ठंडी नहीं, जब थोड़ी सी नॉर्मल हो जाती है तो इस तरीके से मैंने हल्के हल्के नाइफ से इसको कट करना स्टार्ट कर दिया है। ध्यान दें कि थोड़ी सी नॉर्मल हो जाए उसी के बाद जो है इसके पीस को कट कर लें। ना तो एकदम गरम गरम में इनके पीस को कट करना है और ना ही बहुत ज्यादा अगर ठंडी हो जाती है तो कट करना है। तो यहाँ पे मैंने कट कर लिए हैं पीसेस। उसके बाद ऊपर से मैंने इसमें बादाम लगाने स्टार्ट कर दिए हैं जो कि देखने में और खाने में भी बहुत ज्यादा टेस्टी लग सकते हैं। इसमें आप कोई भी ड्राई फ्रूट जो है वो यूज कर सकते हैं। स्वीट जो है वो बनके रेडी हो चुकी है, तो आप लोग भी आइए और आप लोग भी खा लीजिए। तो ये देखिए, और ये जितनी देखने में आपको यमी और डिलीशियस लग रही है उतनी ही खाने में बहुत अच्छी है, सो आप सब लोगों के लिए। तो चलिए मैं अब आपको थोड़ी देर में मिलती हूँ। उसी के बाद मम्मी यहाँ पे आ गई है किचन में प्रसाद की तैयारी करने के लिए। तो यहाँ पे बन रही है पंजीरी, जिसके लिए लिया था थोड़ा सा घी और आटा और उसमें डाली थी 5 मेवा। जैसे कि कहा जाता है कि पंजीरी तो उसमें 5 मेवाएं डाली जाती हैं। तो यहाँ पे मेरा सारा ही प्रसाद जो है वो रेडी हो चुका है। मेन प्रसाद होता है पंजीरी और चन्नामृत। तो यहाँ पे चन्नामृत और पंजीरी दोनों ही बन के जो है मेरे रेडी हो चुके हैं। तो मेरी तैयारी ऑलमोस्ट जो है वो सारी हो चुकी है। सारा कुछ मैंने जो है भगवान जी के पास रख दिया है। मिठाई जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर करी थी, फल हो गए, फूल हो गई, जोत हो गई वगैरह सारा कुछ मैंने रख लिया है। और जो आप देख रहे हैं खीरा, ये हमारे यहाँ पे खीरा जो है भगवान जी को इनके अंदर छुपा के रखा जाता है, जन्म के समय पे इनको हम निकालते हैं। तो मेरी पूजा की तैयारी मतलब सारी हो गई है ऑलमोस्ट। मैंने सारे फल फ्रूट जो भी होता है प्रसाद वगैरह वो सारा कुछ लगा के रख दिया है। बस इंतजार है लड्डू गोपाल जी के जन्म का, तो 12 बजे तक जगेंगे उसके बाद। तो मैंने तो फास्ट नहीं रखा था, मम्मी ने फास्ट रखा है, तो मम्मी मतलब खाएंगे उस टाइम पे। हम लोग प्रसाद वगैरह खाएंगे और डिनर वगैरह हम लोग देखते हैं करेंगे कि नहीं, मन नहीं है वैसे। और प्रसाद बनाते बनाते मम्मी प्रसाद बना रही थी, बनाते बनाते और वीडियो बीच में ही रह गया और हम लोग चले गए थे कृष्णा जी का, लड्डू गोपाल जी का केक लेने के लिए। जैसा कि कृष्णा आपको बता रहा था कि मैं लड्डू गोपाल जी का केक लेके आऊँगा, तो वो पापा को लेके चला गया मार्केट कि पापा केक दिला दो, आज कृष्णा लड्डू गोपाल जी का बर्थडे है तो केक कटिंग भी होना चाहिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर हम लोग मार्केट चले गए थे, वहीं पे जन्माष्टमी वगैरह झांकी वगैरह लगी हुई थी, तो वहाँ पे वो भी दिखा के आ गए। वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, इस वजह से मैंने वो क्लिप्स इसमें एडिट नहीं करी है, बट किसी ब्लॉग में मैं डेफिनेटली आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो हम लोग केक भी लेकर आ गए हैं और प्रसाद वगैरह पूजा की पूरी तैयारी हो चुकी है। केक कटिंग हम लोग करेंगे 12 बजे के बाद, जब हम लोग पूजा वगैरह कर लेंगे, जब कृष्णा जी का जन्म हो जाएगा तब करेंगे। और सारे ही लोग घर में जगे हुए हैं, कोई भी नहीं सोएगा, कृष्णा भी नहीं सोएगा क्योंकि कल है संडे, तो कृष्णा भी आराम से जगेगा, स्कूल होता है तो जल्दी सुलाना पड़ता है। तो बस यही हो रहा है अभी फिलहाल, कुछ नहीं हो रहा है और वेट हो रहा है सिर्फ लड्डू गोपाल जी के जन्म का। उस हिसाब से फिर हम लोग पूजा करेंगे और मैं बैठी हुई हूँ यहीं पर पास में और कृष्णा अपने खेल रहे हैं पापा के साथ। और बस तो अभी फिलहाल तो कुछ नहीं कर रहे हैं, पूजा करेंगे। और आप लोगों ने कैसे कैसे जन्माष्टमी मनाई मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, आप लोग कैसे मनाते हैं और किस किस का फास्ट था ये भी बताना, मेरा फास्ट नहीं है।
तो चलिए फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, या तो पूजा के टाइम पे या बीच में फिर कभी। तो अभी आई थिंक 11 बज गया है, 11 बजने वाला है, 11 बजा नहीं है, बस 12 बजे का इंतजार है, उसके बाद फिर कृष्णा जी का बर्थडे मनाएंगे। तो चलिए मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर। तो 12 बज चुके हैं और हमारे लड्डू गोपाल जी ने जन्म ले लिया है। तो जन्म के साथ ही साथ उनका जन्म होने के बाद हम लोग कर रहे हैं पूजा, उनका स्वागत किस तरीके से करते हैं तो वही सब कुछ यहाँ पे मैं कर रही हूँ उनका स्वागत। सबसे पहले हम लोग, जैसे मैंने आपको वो खीरा दिखाया था तो उसमें मेरे लड्डू गोपाल जी थे, उनको जन्म लेते हैं तो उसमें से उनको बाहर निकाल के और उनको चन्नामृत से, दही से, दूध से, शहद से और गंगा जल जी से नहलाते हैं। तो मैंने यहाँ चन्नामृत में सब कुछ डाला हुआ था, उसी में अपने लड्डू गोपाल जी को उन्हें नहलाया। उसके बाद गंगा जल से उनको साफ करने के बाद मैंने विधि विधान से उनको चंदन लगाया, फूल चढ़ाया, प्रसाद चढ़ाया, कुछ ऐसा ही मेरे यहाँ पे होता है। तो यहाँ पे मैं लड्डू गोपाल जी को कुछ ऐसा ही कर रही हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ जो है अपनी अपनी पूजा कर रहे हैं, सारे लोग अपनी पूजा कर रहे हैं और लड्डू गोपाल जी का सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। बाय बाय।